नमस्कार, मैं हूँ श्रुति उपाध्याय और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। कथित शराब घोटाले मामले में किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब भेजकर समन को अवैध करार दिया। उन्होंने कहा है कि चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है। इस बीच अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आम आदमी पार्टी ने आशंका जाहिर की है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं बीजेपी, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल से पहले ईडी उनके राइट हैंड कहे जाने वाले दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर चुकी है। इसी केस में पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जेल में बंद है। पार्टी के एक अन्य नेता विजय नायर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। आम आदमी पार्टी बार बार आशंका जाहिर करती रही है कि अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी शराब घोटाले को फर्जी करार देती रही है। इधर केजरीवाल के पेश होने से इनकार करने के बाद इस पर बयानबाजी तेज हो गई है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि ईडी ने यह नहीं बताया है कि केजरीवाल को किस हैसियत से बुलाया गया है। समन की टाइमिंग पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, क्योंकि लोकसभा से पहले जब सारे दल और केंद्र सरकार खुद लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है ताकि वे चुनाव प्रचार में ना जा पाए। देश के जितने भी विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, उनको किसी न किसी तरीके से ईडी द्वारा गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि अब तक बार बार पूछने पर भी ईडी ने या केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि वे अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत से बुला रहे हैं। ना वो गवाह हैं, ना वो अभियुक्त हैं, ईडी ने अब तक साफ नहीं किया। टाइमिंग पे भी सवाल उठते हैं। वही भाजपा नेता शहजाद पुनेवाले ने कहा है कि केजरीवाल तीसरी बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। यह दिखाता है कि चोर की मूंछ में तिनका जरूर है, कुछ है छिपाने के लिए, इसीलिए वह भगौड़े और अपराधी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को राहत नहीं दी। विजय नायर एक साल से जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल क्रिमिनल और भगौड़े की तरह क्यों पेश आ रहे हैं? तीसरा समन जारी हुआ है ईडी की तरफ से। आपने पहले समन पर बहाना बनाया कि देखिए मुझे चुनावी कैंपेन में स्टार प्रचारक के रूप में जाना है, नोटा से कम वोट आए आपके तीनों राज्यों में। उसके बाद आपने बहाना बनाया विपासना का, कुशासन करके विपासना पे चले गए। अब तीसरी बार समन जारी हुआ है, क्यों जाने से कतराते हैं? जाइए और अपना पक्ष रखिए। आप जब अन्ना हजारे जी के आंदोलन में थे तब तो कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच, दूसरों से तो इस्तीफा मांग लेते थे, आज तो जांच में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हो रहे। अब बड़ा सवाल ये है कि केजरीवाल के मामले में ईडी का अगला कदम क्या होगा। तीन बार केजरीवाल के इनकार के बाद अब ईडी के अधिकारी लीगल टीम से सलाह ले सकते हैं। पीएमएलए के जानकार बताते हैं कि पेश ना हो पाने की जायज वजह मिले तो ईडी समय दे सकती है और फिर दोबारा समन देती है। तीन बार ईडी के समन पर पेश नहीं होने पर एजेंसी कानूनी रास्ता अपना सकती है, लिहाजा जमानती और गैर जमानती वारंट जारी कर सकती है। कोर्ट का आदेश भी कहता है कि ईडी व्यक्ति को एक तारीख और समय पर एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा जाता है। अवेलना पर गिरफ्तारी हो सकती है। जांच अधिकारी केजरीवाल के आवास पर जाकर पूछताछ कर सकते हैं। ठोस सबूत होने पर या सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर गिरफ्तारी की जा सकती है। यानी आने वाले दिनों में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चुनाव आज तक।